Good morning, students. Today is 14th April 2020 and the day is Tuesday. I am Mrs. Anuradha Bhargav, SST teacher of class 6th. Students, today I am going to explain you the next topic of lesson 1, an approach towards the past. Students, in my previous video, I explained you about why we study history and what are its importance and how archaeologists and historians help us to study about past. As per the archaeologists and historians, there are two sources of history, and they are archaeological sources and literary sources. Now let's talk about first archaeological sources. They are direct evidence. Yani wo direct evidence the jab archaeologists khudai karte the to unko wo jo bhi cheeze khudai ke time milti thi jaise coins, bones, tools, weapons, wo unhi ko source banakar उसको हिस्ट्री को लिखते थे, यानी उसमें ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा कोई भी चेंज नहीं लाया गया था, वो एज इट इज जो जेन्युइन थे वैसे ही उनको सोर्स बना के लिखा गया. एंड सिमिलरली द आर्टिफैक्ट्स, दे आर द ऑब्जेक्ट, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स मेड बाय ह्यूमंस इन द पास्ट, एग्जांपल मेटल ऑब्जेक्ट्स, पॉटरी, टूल्स, ऑर्नामेंट्स, वेपन्स, स्कल्पचर्स एक्सेट्रा हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द कल्चर लाइफ ऑफ द पास्ट. फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्कल्पचर्स का एग्जाम्पल ले तो उस टाइम जो स्कल्पचर्स थे वो ब्रॉन्ज की बनती थी ज्यादातर और गोल्ड की बनाई जाती थी. और अगर हम ऑर्नामेंट्स का एग्जाम्पल लें तो एक कार्लिनियन स्टोन से बनाए जाते थे जिनसे ज्वेलरी बनाई जाती थी. तो ये सारी चीजें हमें पास्ट के कल्चरल लाइफ को बताती है कि उस समय पर क्या क्या चीजें यूज होती थी, पोटरी किस तरह की होती थी, उस पर कैसे डिजाइन डाले जाते थे. तो ये सारी चीजें हमें जो है हिस्ट्री की कल्चरल लाइफ और उसके पास्ट को दर्शाती है, बताती है. एंड सिमिलरली इन मॉन्यूमेंट्स, रूइंस ऑफ ओल्ड बिल्डिंग्स, टेम्पल्स, स्तूपास, टॉम्स, केव्स एंड ओल्ड सेटलमेंट्स, दे आर हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंट एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ अवर पास्ट हेरिटेज. ऑल्सो आर्कियोलॉजिस्ट एक्सकवेशंस एट हरप्पा एंड मोहनजोदारो, कोट, रोपर, मेहरगढ़ एंड सेवरल अदर साइट प्लांट सिविलाइजेशन अराउंड 5000 ईयर्स अगो. आर्कियोलॉजिस्ट को जो हड़प्पन साइट्स मिली हैं बहुत सारी, वो बहुत वेल प्लान होती थी. जैसे हाउसेस जो होते थे वो 1 to 2 स्टोरीज हाई होते थे, फिर हाउसेस के चारों तरफ एक कोर्टयार्ड बना होता था, अलग से एक सेपरेट बाथिंग एरिया होता था, वेल्स होते थे फॉर सप्लाई ऑफ वाटर एंड इवन द ड्रेनेज सिस्टम इज वेरी गुड. ड्रेन्स इन हाउसेज वर कनेक्टेड टू द मेन स्ट्रीट एंड द ड्रेन्स वर कवर्ड, इंस्पेक्शन हॉल्स वर देयर प्रोवाइडेड एट इंटरवेल्स टू क्लीन देम. तो आर्कियोलॉजिस्ट को इन सब चीजों से पता चलता है कि उस टाइम के लोग कितने सिविलाइज थे और हर चीज को कैसे वो प्लान्ड करके फिर उस चीज को इंप्लीमेंट करते थे, उस चीज को बनाते थे. सिमिलरली आर्कियोलॉजिस्ट को नालंदा यूनिवर्सिटी के जो है रिमेन्स मिले थे, तो वहां का एशियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन पता चलता है कि कैसे वहां पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते थे, आर्ट, साइंस और टेक्नोलॉजी के जो वहां पर पढ़ाई जाती थी सब्जेक्ट्स, और बहुत सारे और भी सब्जेक्ट्स वहां पर जो है पढ़ाई जाती थी. सिमिलरली आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड कॉइन्स वेल डिगिंग इन टू द ग्राउंड एंड द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज नोन एज न्यूमिस्मैटिक. कॉइन्स ऑल्सो आर अ वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. एट दैट टाइम कॉइन्स वर मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड अदर मेटल्स. उस समय जो रूलर्स होते थे वो जो कॉइन्स है उनके ऊपर अपना टाइम पीरियड लिखवाते थे कि उन्होंने किस टाइम से लेकर कब तक रूल किया है, तो उससे हमें उनका रूलिंग पीरियड पता चलता था. और यहाँ तक कि हमें ट्रेड एक्टिविटीज के बारे में भी कॉइन्स ही पता चलता है, जब हमें जो है कि इंडिया का जो है दूसरे डिस्टेंट लैंड से जो है फॉरेन लैंड से जो है ट्रेड होता था, क्योंकि हमारे यहाँ पर साउथ में भी गोल्ड, रोमन गोल्ड कॉइन्स मिले हैं जिनसे पता चलता था कि हमारा उस समय रोम के साथ जो है ट्रेड चलता था. तो ऐसे बहुत सारी आर्कियोलॉजिस्ट को कॉइन्स से मिलती है एंड दैट गिव्स अस द वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट पास्ट, अबाउट द रूलर्स, अबाउट द ट्रेडिंग एक्टिविटीज ऑफ इंडिया विद डिस्टेंट लैंड्स. आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो फाइंड इंस्क्रिप्शंस एंड दे आर रिटन ऑन हार्ड सरफेस लाइक रॉक, मेटल्स, पिलर, कॉपर प्लेट्स, केव वॉल, वॉल ऑफ टेम्पल्स एंड ऑन क्ले टैबलेट्स. एंड द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज नोन एज एपिग्राफी एंड द पर्सन हु स्टडीज द एपिग्राफ इज नोन एज एपिग्राफिस्ट. इंस्क्रिप्शन इंक्लूड्स रिटन इंस्ट्रक्शंस ऑफ रूलर्स एंड रिकॉर्ड ऑफ ऑफिशियल स्टेटमेंट्स इन पब्लिक. राजा जो भी घोषणा प्रजा में करते थे उसका रिकॉर्ड रखते थे, गांव और मंदिरों को जो भी दान देते थे उसका रिकॉर्ड रखते थे. इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है कि उस समय जो राजा हैं वो, जो रूलर्स होते थे वो कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे, किस तरह की पॉलिसीज जो है अपनी पब्लिक के लिए वो इम्प्लीमेंट करते थे. और इवन इट ऑल्सो
टेल्स अबाउट द पर्सनल क्वालिटीज ऑफ द किंग्स. कुछ किंग्स जो होते थे वो अपने बारे में भी जो है लिखवाया करते थे इंस्क्रिप्शन से, जिससे हमें पता चलता था कि उस तरह वो रूलर किस तरह का होता था. और इंपॉर्टेंट डेट्स ऑफ कॉरोनेशन, यानी कुछ रूलर्स जो है वो अपनी जब भी वो गद्दी पे बैठते थे उनकी ताजपोशी होती थी तो उनकी डेट्स को भी वो मेंशन करते थे. तो ये सब चीजें आर्कियोलॉजिस्ट को खुदाई के टाइम जब मिली तो इनसे उनको पता चलता है अबाउट द इवेंट्स, रूलिंग्स एंड डिक्लेरेशन ऑफ एंशिएंट रूलर्स. सो इंस्क्रिप्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल सोर्स ऑफ नोइंग हिस्ट्री. नाउ स्टूडेंट्स, हियर आर सम क्वेश्चंस व्हिच यू हैव टू आंसर इन योर एसएसटी नोटबुक. डिफाइन न्यूमिस्मैटिक. द सेकंड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द टर्म एपिग्राफी. एपिग्राफी क्या होता है? एंड टेक द करेक्ट ऑप्शन. हैंड रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ द पास्ट इन द फॉर्म ऑफ बुक्स आर कॉल्ड स्क्रिप्ट्स, मैनुस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शंस. जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको टिक करना है. स्टूडेंट्स, आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर इसी वीडियो में मिल जाएंगे. सो इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.